हे फ्रेंड्स, दिस इज सम्राज्ञी। जैसे कि मैंने कहा था कि हॉफमैन कुंजे की सॉल्यूशंस जो लास्ट वीडियो पे मैंने दिया था डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे असाइंड लिंक पे, उसका आज सॉल्यूशन प्रोवाइड करूंगी। ओके, आप लोगों ने वो वीडियोस अगर नहीं देखा तो पहले वो वीडियोस देख कर आइए। आई थिंक इट इज़ फर्स्ट टाइम दैट समवन इज़ प्रोवाइडिंग द सॉल्यूशंस ऑफ हॉफमैन कुंजे इन यूट्यूब प्लेटफॉर्म। ओके, तो आप सबसे मेरा यही रिक्वेस्ट रहेगा कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपनी फ्रेंड्स को साथ शेयर भी कीजिए। क्योंकि क्या होता है, जितना ज़्यादा आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, शेयर करेंगे, मुझे उतना ही ज़्यादा एनर्जी आएगी आपके लिए प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए। ओके, क्योंकि मैंने देखा है कि हॉफमैन कुंजे से लास्ट कुछ ईयर्स में CSIR नेट पे क्वेश्चंस रिपीट हो रहा है, तो मैंने सोचा कि क्यों ना CSIR नेट करने से पहले हॉफमैन कुंजे की कुछ प्रॉब्लम सॉल्व कर दूँ आप सबके लिए। ओके, तो जो वेक्टर स्पेस बताई थी मैंने वहाँ पर, उस कॉन्सेप्ट के ऊपर बेस करके होगा। और यहाँ पर भी डिस्क्रिप्शन लिंक पे आपको वो इस जो हॉफमैन कुंजे आज मैं बताने वाली हूँ इसका असाइनमेंट मिल जाएगा, तो देख लीजिए, क्योंकि उसी असाइनमेंट का मैं यहाँ पर सॉल्यूशन प्रोवाइड करने वाली हूँ। ओके, तो देखिए फर्स्ट जो क्वेश्चंस था, एक्चुअली दिस इज एक्सरसाइज सेक्शन 2.2। आपको तो बुक्स पे नहीं मिलेगा किसी भी बुक्स पे इसका सॉल्यूशन, राइट? तो अच्छे से ध्यान से देखिए। पहला जो क्वेश्चंस था वो था, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ वेक्टर्स अल्फा इक्वल्स टू a1 a2 an इन rn, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स ऑफ वेक्टर्स इन rn आर द सबस्पेसेस, राइट? तो दिस इज द आर एन ओवर आर, दिस इज द वेक्टर स्पेस। अब इसका कुछ सबसेट दिया है उन्होंने, आपको कहना होगा ये सबस्पेस है या नहीं। ओके, पहले तो खुद ट्राई कीजिएगा, मैं बार बार यही बताती हूँ कि खुद ट्राई कीजिए। दिस a1 a2 a1 an such that a1 greater than equals to 0। तो बताइए ये सबस्पेस होगा या नहीं, क्या लगता है आप लोगों को? सबस्पेस की कंडीशंस मैंने बताई थी आप लोगों को। ओके, सो इन ऑर्डर टू बी दिस ए सबस्पेस क्या होना होगा, देखिए। इफ अल्फा 1 बिलोंग्स टू डब्ल्यू एंड सी बिलोंग्स टू रियल नंबर, दैट इंप्लाइज सी अल्फा 1 बिलोंग्स टू डब्ल्यू, राइट? दिस वॉज द कंडीशन, ये एक कंडीशन था। This was actually two condition, and first condition was alpha 1 belongs to W, alpha 2 belongs to W, that imply alpha 1 plus alpha 2 belongs to W. तो अगर इनमें से कोई एक solution मैं आपको दिखा दूँ, मतलब कोई एक examples मैं आपको दिखा दूँ कि एक condition satisfy नहीं हो रहा, तभी हम कहेंगे that कि this is not a subspace, क्योंकि subspace होने के लिए तो दोनों ही condition satisfy करना पड़ेगा, right? तो देखिए a1 greater than 0, टेक c, c इज एनी रियल नंबर, टेक c इक्वल्स टू -1, राइट? एंड देखिए 1 1 1, हियर a1 greater than 0, दिस बिलोंग्स टू w, राइट? 1 बिलोंग्स टू w एंड c इंटू अल्फा 1, सपोज अल्फा 1, दिस इज कॉल्ड अल्फा 1, ओके, अल्फा 1 इक्वल्स टू, देन c इंटू अल्फा 1 व्हाट विल बी, माइनस, वी विल प्रोडक्ट ईच टर्म विथ माइनस, मल्टीप्लाई ईच टर्म विथ माइनस, राइट? सो -1 -1 -1 एंड दिस डज नॉट बिलोंग्स टू w, क्योंकि w पे तो वही एलिमेंट्स बिलोंग करेंगे ना जिनका फर्स्ट टर्म ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 होगा। सो दिस डज नॉट सेटिस्फाई, राइट? दिस डज नॉट सेटिस्फाई द सबस्पेस प्रॉपर्टी, सो दिस सबसेट इज नॉट ए सबस्पेस। ओके, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट जो बी नंबर है वो तो ईजी है, आप लोग कर लेंगे। मैं सी नंबर कराती हूँ। ओके, 1c, ऑल अल्फा सच दैट a2 इक्वल्स टू ऑल अल्फा सच दैट a2 इक्वल्स टू a1 स्क्वायर। बताइए a2 इक्वल्स टू a1 स्क्वायर, डज दिस फॉर्म ए दिस सबसेट, मतलब ये सभी अल्फा, इसका एक कंडीशन पुट कर दिया है a2 इक्वल्स टू a1 स्क्वायर। ओके, ऑल अल्फा सच दैट दिस इक्वल्स टू w2, ये सबसेट तो है। ओके, इस ये जो सेट है ना, इसका सबसेट तो है ये। नाउ द क्वेश्चन इज, डज दिस फॉर्म ए सबस्पेस? तो अगेन सबस्पेस के लिए चलिए देखते हैं। देखिए 1 1 1 1, दिस बिलोंग्स टू w2, क्यों? क्योंकि सेकेंड टर्म जो है ना वो फर्स्ट टर्म का स्क्वायर है, और हेयर क्लियरली 1 इक्वल्स टू 1 स्क्वायर, राइट? सो दिस बिलोंग्स टू w2। अब देखिए अल्फा बिलोंग्स टू w2 एंड अल्फा बिलोंग्स टू w2,
बाय द प्रॉपर्टी ऑफ सबस्पेस अल्फा प्लस अल्फा मस्ट बिलोंग्स टू डब्ल्यू टू. तो यहाँ पर देखिए अल्फा प्लस अल्फा दैट मीन्स 1, 1, 1 + 1 ओके दिस इक्वल्स टू 2, 2, 2. तो डज दिस थिंग दैट इज अल्फा प्लस बीटा, डज दिस अल्फा प्लस बीटा बिलोंग्स टू डब्ल्यू टू? आप लोग बताइए यहाँ पर क्या है. सेकेंड एलिमेंट इक्वल्स टू स्क्वायर ऑफ फर्स्ट एलिमेंट. सो हियर सेकेंड एलिमेंट इज 2 एंड 2 नॉट इक्वल्स टू स्क्वायर ऑफ फर्स्ट एलिमेंट दैट मीन्स इट इक्वल्स टू 4, राइट? सो अगेन दिस इज नॉट ए सबस्पेस, क्योंकि हमें एक एग्जाम्पल मिल गया जो दिस कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है. ओके सो दिस इज नॉट ए सबस्पेस. तो अगर आप लोग ध्यान से इस वीडियो को देखेंगे तो आपको समझ में आएगा, इस प्रॉब्लम को देखेंगे कि वी आर ट्राइंग टू, जब सबस्पेस नहीं हो रहा तो वी आर ट्राइंग टू गिव एन एग्जाम्पल, काउंटर एग्जाम्पल, राइट? इसे कहते हैं काउंटर एग्जाम्पल से चीज़ों को गलत प्रूफ करना. सबस्पेस होने के लिए 2 एलिमेंट्स का एडिशन होना पड़ेगा एंड एक स्केलर के साथ उसका मल्टीप्लीकेशन भी ऑल्सो बिलोंग्स टू दैट सबसेट. देन वी विल से दैट दैट सबसेट इज ए सबस्पेस. बट हेयर वी हैव फाइंड 2 नंबर्स विच बिलोंग्स टू दिस सेट डब्ल्यू टू बट देयर एडिशन डज नॉट बिलोंग्स टू दिस सेट डब्ल्यू टू. सो वट वी विल से, वी विल से दिस इज नॉट ए सबस्पेस. हो गया, दिस इज द एक्सरसाइज ऑफ हॉफमैन कुंजे. कुछ लोगों का कहना है कि यहाँ पर बहुत बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन होता है. आई थिंक लोग ना देख कर ही बता दे देंगे कि डिफ़िकल्ट होता है. पहले तो देख लीजिए ना एक्चुअली डिफ़िकल्ट है या नहीं, ट्राई तो कीजिए. अगर ट्राई नहीं करेंगे तो सभी डिफ़िकल्ट लगेगा ना आपको. ओके नेक्स्ट, सो दिस इज सेकेंड. ओके सेकेंड थिंग आप लोग कर लेंगे. नेक्स्ट केम टू ऑल अल्फा सच दैट A1 A2 इक्वल्स टू 0. ये भी आप लोग कर लेंगे. देखिए मैं एक एग्जांपल देती हूँ ऐसे भी. ऑल अल्फा सच दैट A1 A2 इक्वल्स टू 0. A1 ऑल अल्फा सच दैट A1 A2 इक्वल्स टू 0. मतलब यहाँ पर कुछ इस टाइप्स का एलिमेंट होगा जिनका फर्स्ट 2 टर्म का जो प्रोडक्ट है दैट विल बी 0. तो एग्जांपल ले लीजिए ना 1 0 + 0 1 1 0 बिलोंग्स टू दिस सेट. अगेन दिस इज W1 सपोज, मैं शॉर्ट पे कर रही हूँ. ओके और 0 1 बिलोंग्स टू W1 बट इनका जो एडिशन होगा 1, 1 दैट डज नॉट बिलोंग्स टू W2 1. सो इट इज नॉट ए सबस्पेस, राइट? दिस इज नॉट ए सबस्पेस क्योंकि दिस डज नॉट इक्वल्स टू 0. यही तो होना था ना, A1 A2 इक्वल्स टू 0 बट दिस डज नॉट 0. सो दिस डज नॉट बिलोंग्स टू सबस्पेस. अब बाकी जो 1 का एक्सरसाइज है, मतलब एक्सरसाइज 2.2 पे 1 के अंडर पे बाकी जो प्रॉब्लम्स है वो आप लोग कर लीजिएगा क्योंकि ये बहुत आसान है. मैं थोड़ा डिफिकल्ट प्रॉब्लम पे आती हूँ. ओके नाउ नेक्स्ट डिफिकल्ट प्रॉब्लम इज ऑन 2 पे कुछ प्रॉब्लम्स है जो कि फंक्शंस के ऊपर बेस्ड है. और ध्यान से देखिए यहाँ से क्वेश्चंस आता है. मैं ये सब कुछ इसीलिए करा रही हूँ क्योंकि यहाँ से हर बार क्वेश्चंस आता है और क्वेश्चंस ऐसा नहीं है कि बिल्कुल हूबहू ऐसे ही उठाकर दे देगा, राइट? CSIR नेट का प्रीवियस पेपर तो आपको फिर भी किसी बुक्स पे मिलेगा लेकिन हॉफमैन कुंजे का एक्सरसाइज का सोल्यूशन आपको बुक्स पे नहीं मिलने वाला, इसीलिए करा रही हूँ. पहले तो खुद ट्राई कीजिए, बाद पे अच्छे से देखिए. ओके ओके देखिए 2A. ओके ऑल इफ सच दैट f of x square equals to f of x whole square. This types की f. Okay, और यहाँ पर vector space क्या है? ये तो subspace है, right? This is मतलब subset है. This is the subset. और vector space क्या है? Vector space is the all functions. Okay, vector space is the set of all functions f from R to R. ओके दिस इज द वेक्टर स्पेस, मतलब सेट ऑफ ऑल फंक्शंस फ्रॉम रियल नंबर टू रियल नंबर, दिस इज अ वेक्टर स्पेस. एंड सबसेट क्या है? सबसेट मतलब इसके ऊपर कुछ रेस्ट्रिक्शंस, राइट? कुछ ऐसा फंक्शंस जो एफ ऑफ एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स होल स्क्वायर, दिस प्रॉपर्टी विल सेटिस्फाई. ओके तो बताइए डज दिस फॉर्म ए सबस्पेस और नॉट? बताइए क्या लगता है. देखिए इसको भी हम अगेन काउंटर एग्जाम्पल से ही गलत प्रूफ करेंगे. काउंटर एग्जाम्पल सोचना पड़ता है. मतलब क्या, जब आपको ऐसे प्रॉब्लम्स देगा तो आप अप्रोच कैसे करेंगे? ओके देन यू हैव टू थिंक अबाउट फंक्शंस. कौन सा ऐसा फंक्शंस होता है जो एफ ऑफ एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स होल स्क्वायर होता है? देखिए पहला तो एक ट्रिवियल एग्जाम्पल है, एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू एक्स, राइट? दिस सेटिस्फाइज दिस क्योंकि एफ ऑफ एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू
एक्स की जगह पर एक्स स्क्वायर का वैल्यू पुट कीजिए, एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स होल स्क्वायर, क्योंकि एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर ही तो है ना। तो ये तो हो गया। नेक्स्ट एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू सॉरी जी ऑफ एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर। देखिए जी ऑफ एक्स विल सेटिस्फाई दिस प्रॉपर्टी, यस सेटिस्फाई, बिकॉज जी ऑफ एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स टू द पावर फोर एंड दिस इज अगेन जी ऑफ एक्स होल स्क्वायर। सो एफ ऑफ एक्स बिलोंग्स टू डब्ल्यू, जी ऑफ एक्स बिलोंग्स टू डब्ल्यू, वहां पर जो डब्ल्यू का सेट लिखा है मैंने, राइट दिस सेट डब्ल्यू। सो एफ ऑफ एक्स बिलोंग्स टू डब्ल्यू, जी ऑफ एक्स बिलोंग्स टू डब्ल्यू। नाउ द क्वेश्चन इज डज दिस इंप्लाई दैट एफ ऑफ एक्स प्लस जी ऑफ एक्स बिलोंग्स टू डब्ल्यू। चलिए करते हैं, एफ प्लस जी ऑफ एक्स इक्वल्स टू एक्स प्लस एक्स स्क्वायर। ओके तो इसको w पे बिलोंग करने के लिए क्या करना होगा, a प्लस जी ऑफ एक्स स्क्वायर मस्ट बी इक्वल्स टू a प्लस जी होल स्क्वायर, a प्लस जी ऑफ एक्स होल स्क्वायर, राइट। अगर ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करेगा तभी तो हम कहेंगे ना दैट दिस बिलोंग्स टू w। तो देखिए a प्लस जी ऑफ एक्स स्क्वायर मतलब वी विल पुट द वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर इन द प्लेस ऑफ x, दैट इंप्लाई एक्स स्क्वायर प्लस एक्स टू द पावर फोर। Does this value equals to a plus g of x whole square? Does this equals to x plus x square whole square? The answer is no, because there will be another extra term 2x into x square. So this value not equals to this. That imply a plus g x square not equals to this. So that imply a plus g does not belongs to w. Okay? A plus g does not belongs to w. सो दिस इज नॉट ए सबस्पेस। थोड़ा डिफिकल्ट है, आपको इस टाइप्स के एग्जाम्स लेना आना चाहिए तभी आप एग्जाम पे खुद ब खुद क्वेश्चंस कर पाएंगे। ओके यू हैव टू टेक द वैल्यू ऑफ एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू एक्स एंड जी ऑफ एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर। आप खुद भी सोचिए, देखिए और कुछ वैल्यूज ले सकते हैं या नहीं। ओके तो हो गया ये। अब आई होप ये आप सबको समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ चलते हैं। यहाँ पर जो था ऑल एफ, ओके अगेन एफ इज ए वेक्टर स्पेस फ्रॉम, एफ इज अ सेट ऑफ ऑल फंक्शंस फ्रॉम रियल नंबर टू रियल नंबर, राइट। दिस इज द वेक्टर स्पेस, दिस फंक्शंस इज द वेक्टर स्पेस भी। नाउ नेक्स्ट प्रॉब्लम, मैं देखिए बी नंबर जो है ना एफ ऑफ जीरो इक्वल्स टू एफ ऑफ वन, वो तो आप सब कर लेंगे क्योंकि एफ ऑफ जीरो इक्वल्स टू एफ ऑफ वन। तो देखिए मैं थोड़ा हिंट्स दे देती हूँ फिर भी, एफ सच दैट एफ ऑफ जीरो इक्वल्स टू एफ ऑफ वन, राइट। तो एक ऐसा एफ वन लीजिए जो डब्ल्यू पे बिलोंग करेगा, एक ऐसा जी वन लीजिए जो डब्ल्यू पे बिलोंग करेगा, यानी दिखाइए सी एफ वन प्लस जी वन बिलोंग्स टू डब्ल्यू। ओके क्योंकि यहाँ पर देखिए एफ ऑफ जीरो इक्वल्स टू एफ ऑफ वन, इसको आप ऐसे भी बोल सकते हैं एफ सच दैट एफ ऑफ जीरो माइनस एफ ऑफ वन इक्वल्स टू जीरो। और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो कि सी एस आई या नेट पे भी इस टाइप्स की क्वेश्चंस आए हैं, रिमेंबर ट्राई टू रिमेंबर, अगर राइट हैंड साइड पे जीरो होगा वैल्यूज, ओके तो मोस्ट ऑफ द केसेस दिस विल फॉर्म ए सबस्पेस, एंड राइट हैंड साइड पे अगर नॉन जीरो होगा तो डेफिनेटली नॉट फॉर्म ए सबस्पेस, क्योंकि जब आप ऐड करेंगे ना तो वन, सपोज यहाँ पर वन होगा तो वन प्लस वन इक्वल्स टू टू, दैट नॉट इक्वल्स टू वन, राइट। तो एज दिस इज ए राइट हैंड साइड पे जीरो है तो आप कोशिश करके देखिए, आप देख लेंगे कि सी एफ वन प्लस जी वन विल ऑल्सो सेटिस्फाई दिस प्रॉपर्टी। ओके मतलब कुछ इस टाइप्स का आएगा, सी एफ वन प्लस जी वन ऑफ जीरो इक्वल्स टू सी एफ वन प्लस जी वन ऑफ वन, एंड दिस विल इम्प्लाई दैट सी एफ वन प्लस जी वन बिलोंग्स टू डब्ल्यू। ओके सोचिए इस चीज़ के बारे में, क्योंकि इतनी आसान तो है नहीं हॉफमैन गुंजे का एक्सरसाइजेस, थोड़ा तो डिफिकल्ट होगा ही, लेकिन आप लोगों को सोचना होगा और सोचते सोचते ही आप लोग सॉल्यूशंस खुद ब खुद कर पाएंगे। ओके नेक्स्ट नेक्स्ट जो थर्ड फोर्थ है वो तो हो जाएगा। देखिए थर्ड पे देखिए एफ ऑफ थ्री इक्वल्स टू वन प्लस एफ ऑफ माइनस फाइव, तो राइट हैंड साइड पे नॉन जीरो टर्म्स, राइट, एंड राइट हैंड साइड पे एज नॉन जीरो टर्म्स है वन है, सो दैट विल बी नॉट सबस्पेस। ओके खुद ट्राई कीजिए। नेक्स्ट टू ई, ओके ई मैं करा देती हूँ, ई ऑल एफ सच दैट एफ इज कंटिन्यूअस,
मतलब कलेक्शन ऑफ ऑल दिस फंक्शंस व्हिच इज कंटिन्यूअस. ओके, डज दिस फॉर्म से सबस्पेस, सबसेट तो है ये एक, है ना. यहाँ पर वेक्टर स्पेस इज ऑल द फंक्शंस फ्रॉम रियल नंबर टू रियल नंबर, एंड यहाँ पर सबसेट इज ऑल दिस फंक्शंस व्हिच इज कंटिन्यूअस. अब देखिए, सम ऑफ टू कंटिन्यूअस फंक्शंस रियल एनालिसिस पे मैं और अच्छे से बताऊंगी. सम ऑफ टू कंटिन्यूअस फंक्शन इज अगेन ए कंटिन्यूअस फंक्शन, एंड सी इज बिलोंग्स टू रियल नंबर, देन सी एफ इज ऑल्सो कंटिन्यूअस फंक्शंस. सो दिस इम्प्लाई दैट द प्रॉपर्टी ऑफ टू द सबस्पेस इज सेटिस्फाइड. अल्फा प्लस बीटा बिलोंग्स टू डब्ल्यू एंड सी एफ बिलोंग्स टू डब्ल्यू, सो दिस इज डेफिनेटली ए सबस्पेस. ओके, नाउ गो टू द नेक्स्ट प्रॉब्लम. चलिए थ्री पे क्या हुआ है. थ्री पे इन्होंने कहा है इज द वेक्टर थ्री माइनस वन जीरो माइनस वन इन द सबस्पेस आर, यहाँ पर आर फोर होगा. ओके, स्पेंड बाय द वेक्टर्स, स्पेंड बाय द वेक्टर्स टू माइनस वन थ्री टू, स्पेंड बाय टू माइनस वन थ्री टू, इस टाइप से कुछ वेक्टर्स है, राइट. तो यहाँ पर क्या लिखा है, मतलब इनका कहने का मतलब है दैट डज दिस वेक्टर, सपोज दिस इज वी, दिस इज द लीनियर स्पेन ऑफ दिस वेक्टर्स अल्फा बीटा गामा. जब भी आपको इस टाइप्स की क्वेश्चन दी जाए तो देखिए कैसे सॉल्व करेंगे. ओके, वी इक्वल्स टू लीनियर स्पेन ऑफ अल्फा बीटा गामा, तो इसके पहले आपको क्या करना होगा, लीनियर स्पेन मीन्स द कलेक्शन ऑफ ऑल लीनियर कॉम्बिनेशंस. कैन यू राइट दिस वेक्टर वी एज ए लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ दिस. ओके, तो लीनियर कॉम्बिनेशन मतलब वी इक्वल्स टू सी वन अल्फा प्लस सी टू बीटा प्लस सी थ्री गामा. ओके, तो यहाँ पर देखिए दिस इज वी, दैट मीन्स थ्री माइनस वन जीरो माइनस वन इक्वल्स टू सी वन टू माइनस वन थ्री टू प्लस सी टू. नेक्स्ट क्या है, माइनस वन 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 माइनस थ्री प्लस सी थ्री वन वन नाइन माइनस फाइव. ओके, तो देखिए इसको आप कैसे लिखेंगे, राइट. इसको लिखने के लिए थ्री माइनस वन जीरो माइनस वन इक्वल्स टू टू सी वन माइनस सी टू प्लस थ्री सी थ्री माइनस सी वन प्लस सी टू प्लस सी थ्री थ्री सी वन प्लस सी टू प्लस नाइन सी थ्री. ओके, टू सी वन माइनस थ्री सी टू माइनस फाइव सी थ्री, राइट. कुछ ऐसा ही तो होगा ना. अब अगर आपको, अब देखिए कंपेयरिंग द कोफिशियंट, दिस इक्वल्स टू द फर्स्ट कोफिशियंट दैट इज थ्री, दिस इक्वल्स टू द सेकेंड कोफिशियंट दैट इज माइनस वन, दिस इक्वल्स टू द थर्ड कोफिशियंट दैट इज जीरो, दिस इक्वल्स टू द फोर्थ कोफिशियंट दैट इज माइनस वन. ओके, कंपेयरिंग द कोफिशियंट्स वी विल गेट दैट, व्हाट वी विल गेट बताइए, मैंने किया करवाया था आप लोगों को, व्हाट विल गेट कंपेयरिंग द कोफिशियंट्स. कंपेयरिंग द कोफिशियंट्स वी विल गेट ए सिस्टम ऑफ इक्वेशंस. सिस्टम ऑफ इक्वेशंस कैसे होगा, टू सी वन माइनस सी टू प्लस थ्री सी थ्री इक्वल्स टू थ्री, राइट. एंड टू सी टू प्लस, देखिए माइनस सी वन प्लस सी टू प्लस सी थ्री इक्वल्स टू माइनस वन, थ्री सी वन प्लस सी टू प्लस नाइन सी थ्री इक्वल्स टू जीरो, एंड दिस इक्वल्स टू माइनस वन. तो अब हमारा नेक्स्ट वर्क क्या होगा, द क्वेश्चन इज कैन वी राइट दिस एज ए लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ दिस. मतलब अगर हम इसको इस सिस्टम ऑफ इक्वेशन से लिखेंगे तो इसका कोई सोल्यूशन एग्जिस्ट करेगा. इज देयर द वैल्यू ऑफ सी वन सी टू सी थ्री विल एग्जिस्ट, इफ द सोल्यूशन एग्जिस्ट देन वी कैन से दैट येस वी कैन राइट इट. यही तो कहा है ना, लीनियर कॉम्बिनेशन पे लिख सकते हैं या नहीं, अगर लिख सकते हैं तो सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा, नहीं लिख सकते तो नहीं करेगा. तो लेट्स पुट दिस ऑगमेंटेड मैट्रिक्स फॉर्म. मैंने सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस का जो वीडियोस है इससे पहले देख लेना, वो भी वहाँ पर मैंने ऑगमेंटेड मैट्रिक्स की कैसे लिखते हैं सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस से उसके बारे में डिटेल पे डिस्कस किया है. वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है सीएसआईआर नेट के लिए, जैम के लिए भी एक्चुअली. ओके, तो कैसे लिखेंगे हम, टू माइनस वन थ्री टू, राइट, टू माइनस वन थ्री टू, यस. यहाँ पर टू, देखिए यहाँ पर हम ऐसे भी लिख सकते हैं टू माइनस वन थ्री, राइट, एंड माइनस वन वन वन. ओके, एंड थ्री वन
9 and 2 minus 3 minus 5. Okay, so this is the matrix actually. And now came to the augmented matrix. Augmented matrix kya hota hai? Haan, right hand side pe jo values hota hai, bataye the maine, hai na? Right hand side pe values dekhiye. 3, minus 1, 0, minus 1. Okay? So this is the augmented matrix. 3, 4, 1, 2, 3, 4. Okay. Anyway, this is the augmented matrix. अब आपको रो ऑपरेशन करना होगा एंड द रो रिड्यूस्ड फॉर्म क्या आएगा, मैं यहाँ पर लिख रही हूँ शॉर्ट पे, रो रिड्यूस्ड फॉर्म. ओके, 1 0, आप लोग थोड़ा कैलकुलेशन करके देख लेना. ओके, 1 0, 2 2, 0 1 3 1, 0 0 0 माइनस 7, एंड द लास्ट वन इज 0 0 0 माइनस 2. अब देखिए, ध्यान से देखिए इसकी तरफ. यहाँ पर देखिए, मैंने कहा था दिस इज रैंक ऑफ ए एंड दिस इज रैंक ऑफ ऑगमेंटेड मैट्रिक्स. तो यहाँ पर रैंक ऑफ ए क्या आ रहा, आपका रैंक ऑफ ए आ रहा दैट दिस लाइन इज 0, दिस लाइन इज 0, सो रैंक ऑफ ए इक्वल्स टू 2, व्हिच इज डेफिनेटली नॉट इक्वल्स टू रैंक ऑफ ऑगमेंटेड मैट्रिक्स. ऑगमेंटेड मैट्रिक्स मतलब आप फुल मैट्रिक्स को ले देखेंगे. ओके, राइट हैंड साइड पे जो है, और रैंक ऑफ ए मीन्स only this. This is rank of A and this whole is augmented matrix. Okay. So rank of A not equals to rank of augmented matrix. That means this system is inconsistent and it has no solution. So the answer will be this system has no solution. So the answer will be no. We cannot write these vectors as a linear combination. Agar rank of A equals to rank of augmented matrix hota, then we can say that yes, we can write it by the linear combinations. Okay. So here we cannot write it. बहुत इम्पॉर्टेंट प्रॉब्लम है. ओके, एंड बहुत यूनिक भी है इस टाइप्स की प्रॉब्लम, क्योंकि इस टाइप्स की प्रॉब्लम्स ज़्यादातर बुक्स पे होते नहीं है. तो थोड़ा ध्यान से सॉल्व कीजिए. नेक्स्ट नेक्स्ट प्रॉब्लम इज भी बी द वेक्टर स्पेस ऑफ इन क्रॉस इन मैट्रिसेस ओवर एफ. भी बी द वेक्टर स्पेस ऑफ इन क्रॉस इन मैट्रिसेस ओवर एफ. ओके, नाउ द क्वेश्चन इज ऑल invertible matrices of A. First, all invertible matrices. Invertible matrices. Okay, यहाँ पर all invertible matrices. मैं एक चीज़ यहाँ पर देखना चाहूँगी कि फील्ड क्या है. N भी है पॉजिटिव नंबर, N क्रॉस N मैट्रिसेस ओवर F. ओके, F इज एनी फील्ड, यू कैन टेक इट एज रियल नंबर्स. ओके, ऑल इन्वर्टिबल मैट्रिसेस. इन्वर्टिबल मैट्रिसेस मतलब डिटर्मिनेंट ऑफ A इक्वल नॉट इक्वल्स टू 0. तो देखिए, अगर द क्वेश्चन इज डज दिस फॉर्म ए सबस्पेस W1, W1 को सबस्पेस होने के लिए जीरो वेक्टर तो ऑब्वियसली मस्ट बी बिलोंग्स टू W1, राइट? मतलब यहाँ पर जीरो मैट्रिक्स मस्ट बिलोंग्स टू W1, जीरो मैट्रिक्स मस्ट बिलोंग्स टू W1, बट हेयर दे सेड दैट दिस इज द सेट ऑफ ऑल इन्वर्टिबल मैट्रिसेस. सो फ्रॉम देयर वी कैन क्लियरली से दैट दिस इज नॉट ए सबस्पेस. ओके, यू कैन डू इट इन अनदर वे ऑल्सो. अनदर वे क्या है, देखिए, 1 0 0 1, दिस इज इन्वर्टिबल, राइट? इसका डिटर्मिनेंट नॉन जीरो होगा. एंड -1 0 0 -1, दिस इज अगेन इन्वर्टिबल, राइट? तो इसका जो एडिशन होगा, सपोज दिस इज अल्फा, दिस इज बीटा, अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू 0 0 0 0, दिस डज नॉट बिलोंग्स टू द सेट W1, सो दिस इज नॉट ए सबस्पेस. नाउ नेक्स्ट नेक्स्ट क्या कहा है, ऑल नॉन इन्वर्टिबल. ये भी कुछ ऐसा ही है, आपको दो नॉन इन्वर्टिबल का एग्जाम्पल लेना होगा, दिखाना होगा उनका एडिशन इन्वर्टिबल है. बताइए, ट्राई कीजिए पहले, फिर देखना. 1 0 0 0 प्लस 0 0 0 1, देखिए दिस इज सिंगुलर, दिस इज सिंगुलर, बट देयर सम 1 0 0 1 इज नॉट इन्वर्टिबल. ओके, नाउ ऑल ए सच दैट ए बी इक्वल्स टू बी ए, वेयर बी इज सम फिक्स्ड मैट्रिक्स. ये तो बहुत आसान है, ए हो जाएगा. हाँ, ए थोड़ा डिफिकल्ट है. ऑल ए सच दैट ए स्क्वायर इक्वल्स टू ए. ओके, ऑल ए सच दैट ए स्क्वायर इक्वल्स टू ए, दिस इज W2. डज दिस फॉर्म ए सबस्पेस, ध्यान से देखिए, ए सबस्पेस तभी होगा. देखिए यहाँ पर एफ बताया हुआ है, राइट? फील्ड, कौन सी फील्ड नहीं बताया. इफ एफ इक्वल्स टू Z2, then it will be a subspace, then it will be subspace, will be subspace, otherwise not, otherwise not. q
क्यों, मैं वो भी डिटेल पे आपको बता रही हूँ। इफ़ एफ टू इक्वल्स टू जेड टू, एफ इक्वल्स टू, एक्चुअली एफ इक्वल्स टू जेड टू, देखिए आप आपको कुछ इस टाइप्स का एग्जाम्पल लेना होगा दैट विल शो दैट आइडियम्पोटेंट मैट्रिक्स का जो एडिशन होगा दैट डज नॉट सेटिस्फाई द प्रॉपर्टी, राइट। तो बताइए, ओके देखिए आई को ही ले लेते हैं, 1 0 0 1, दिस इज आइडियम्पोटेंट, राइट। हेयर ए स्क्वायर इक्वल्स टू ए, आप फिर से ऐड कर दीजिए 1 0 0 1, दिस इज 2 0 0 2, राइट। सो दिस इज अल्फा 1, दिस इज अल्फा 1, सो क्लोजर प्रॉपर्टी तो सेटिस्फाई करेगा ना, मतलब इफ दिस हैव टू बी सेट सब स्पेस देन अल्फा 1 प्लस अल्फा 1 दिस मस्ट बिलोंग्स टू डब्ल्यू 2, राइट। इन ऑर्डर टू बी ए सब स्पेस दिस शुड बिलोंग्स टू डब्ल्यू 2। नाउ द क्वेश्चन इज डज 2 0 0 2 बिलोंग्स टू डब्ल्यू 2, द आंसर इज नो। देखिए 2 0 0 2 होल स्क्वायर नॉट इक्वल्स टू 2 0 0 2, ऐसे नहीं लिख सकते आपको, मतलब मल्टीप्लाई करना होगा 2 times, ओके तो मल्टीप्लाई करके देख लीजिए दिस नॉट इक्वल्स टू, चलिए मैं ही कर देती हूँ 2 0 0 2, दिस नॉट इक्वल्स टू 2 0 0 2, राइट। दिस नॉट इक्वल्स टू 2 0 0 2, और यहाँ पर क्या कहा है, यहाँ पर कहा है दैट मैट्रिसेस दैट सेटिस्फाइज दिस प्रॉपर्टीज, व्हिच प्रॉपर्टीज, ए स्क्वायर इक्वल्स टू ए, बट हेयर ए स्क्वायर डज नॉट इक्वल्स टू ए, सो दैट मीन्स हमें दो मैट्रिक्स ऐसा मिला जो इस सेट पे तो है लेकिन उनका एडिशन डज नॉट बिलोंग्स टू दिस सेट, सो दिस इज नॉट ए सबस्पेस। अब मैंने कहा था दैट दिस ऑन जेड टू, राइट, जेड टू के ऊपर, जेड टू के ऊपर क्या होगा ग्रुप पे मैं डिटेल पे बताऊंगी जेड टू क्या है। जेड टू के ऊपर दिस वैल्यू विल बी 0 एंड 0 स्क्वायर इक्वल्स टू 0, सो एक्सेप्ट जेड टू दिस कंडीशन, मतलब दिस मैट्रिक्स आइडियम्पोटेंट मैट्रिक्स डज नॉट फॉर्म ए सबस्पेस, ओके। सो आइडियम्पोटेंट, अगर आपको एग्जाम पे पूछा जाए कि डज आइडियम्पोटेंट मैट्रिसेस फॉर्म ए सबस्पेस, द आंसर विल बी नो। अब आप लोग कुछ प्रॉब्लम सॉल्व कीजिए, डज इन्वोल्यूटरी मैट्रिसेस फॉर्म ए सबस्पेस, डज नीलपोटेंट मैट्रिसेस फॉर्म ए सबस्पेस, दिस टू आर द प्रॉब्लम्स, और ये होमवर्क भी रहेगा आप लोगों के लिए, आप लोग ट्राई कीजिए, ऐसे ही होगा एंड यू विल शो दैट दिस इज दैट द मैट्रिसेस दैट इज इन्वोल्यूटरी एंड नीलपोटेंट आर ऑल्सो नॉट ए सबस्पेस ऑफ द वेक्टर स्पेस, ओके। तो हो गया ये भी, मैट्रिसेस के ऊपर जितना था यहाँ पर वो मैंने करवा दिया, ओके। थोड़ा डिफिकल्ट था लेकिन अगर आप लोग सोच समझ कर करेंगे तो याद रहेगा, ओके। नेक्स्ट नेक्स्ट देखिए 6 उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, 7 तो मैंने कहा ही था यूनियन ऑफ टू सबस्पेस इज ए सबस्पेस इफ वन इज कंटेंड इन द अनदर, राइट। 7th मैंने करवाई ही था, और नाउ द 8 और 9 इज द थ्योरम, एक्चुअली 9 तो बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है जो आपको किसी भी बुक्स पे मिल जाएगा, ओके। फिर भी मैं यहाँ पर बता देती हूँ स्टेटमेंट, प्रूफ आपको बुक्स पे मिल जाएगा। देखिए भी एक वेक्टर स्पेस है, ओके, दिस इज W1, दिस इज W2, एंड वी कैन से दैट इफ भी इक्वल्स टू W1 प्लस W2, इफ भी इक्वल्स टू W1 प्लस W2 एंड W1 इंटरसेक्शन W2 इक्वल्स टू 0, दैट इज इफ भी इज ए वेक्टर स्पेस W1 एंड W2 आर टू सबस्पेसेस सच दैट भी इक्वल्स टू W1 प्लस W2 एंड W1 इंटरसेक्शन W2 इक्वल्स टू 0, देन वी कैन से दैट there exists vector alpha belongs to V that can be uniquely written as alpha equals to alpha 1 plus alpha 2, uniquely written, okay, the stress should be given on the thing that uniquely written, uniquely hum read kar sakte, okay, uniquely we can write this, uniquely hum isko likh sakte hain alpha equals to alpha 1 plus alpha 2 where alpha 1 belongs to W1 and alpha 2 belongs to W2, right. So that if V is a vector space W1 and W2 are two subspaces such that their intersection is 0, then there exists alpha belongs to V such that alpha equals to alpha 1 plus alpha 2. We can write it uniquely, okay? Uniquely पे stress ज़्यादा होना चाहिए. This is a very important theorem. आपको इसका proof कोई भी books पे मिल जाएगा, okay? Okay. Thank you friends. Thank you so much for watching the video.